नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, बर्जर पेंट ने आज जो है अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है और इस क्वार्टर वन रिजल्ट में जो है बर्जर पेंट को जो है विस्फोटक मुनाफा हुआ है, बम्पर कमाई हुआ है। तो बर्जर पेंट में यदि आप लोगों ने पोजिशन बना कर रखा है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि बर्जर पेंट के आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो बने रहिए जेके रूटेक के साथ और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज का जब भी नाम सामने आता है तो दो ही स्टॉक्स जो है सभी लोगों के दिमाग में हैं और सभी लोगों के जुबान पर भी हैं। पहले पर आता है दोस्तों एशियन पेंट लिमिटेड और दूसरे पे बर्जर पेंट लिमिटेड। तो आज जो है बर्जर पेंट लिमिटेड ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है और इसको जो है दो गुने से भी ज़्यादा का जो है बम्पर मुनाफा यानी मल्टीफोल्ड में मुनाफा जो है होता हुआ दिखाई दिया। 140 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है बर्जर पेंट को इस क्वार्टर वन रिजल्ट में, यानी जून क्वार्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसमें बर्जर पेंट लिमिटेड को जो है 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो इस 140 करोड़ के आप प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि बर्जर पेंट जो है डबल से भी ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर जनरेट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी पिछले साल जून में बर्जर पेंट ने 15 करोड़ 9 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट जनरेट किया था। पिछले साल यानी कि 2020 में बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड ने जो है 15 करोड़ 9 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन इस साल जो है 140 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दोगुनी रफ्तार से भी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी के साथ जो है इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। वहीं आप इसके जो है रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 3.22% की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जब किसी कंपनी का ग्रोथ दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, रेवेन्यू के साथ साथ जब प्रॉफिट बढ़ता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक डायमंड स्टॉक है। यदि आप टेंशन फ्री पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड जो है आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हालांकि आज की डेट में जो है आज के दिन में बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड में जो है 1.93% की गिरावट देखने को मिली। अब हम बात करेंगे बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में। तो आप देखें तो बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड का जो 52 वीक का हाई प्राइस है वो 873 रुपये है और 524 रुपये इसके 52 वीक का लो प्राइस है। 80,394 करोड़ की एक कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। और बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड को कंपेयर करें जैसे कि अन्य जैसे कि इंडिगो पेंट हैं, एशियन पेंट हैं और कंसाई नेरोलॉक पेंट हैं, तो जितने भी पेंट इंडस्ट्रीज में जो स्टॉक्स हैं यदि उनसे आप कंपेयर करें तो पाएंगे कि एशियन पेंट लिमिटेड के बाद जो है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड जो है दूसरी पोजीशन पर अपना स्थान बनाने में कामयाब है। यानी कि इंडिगो पेंट भी ठीक है, कंसाई नेरोलॉक भी ठीक है, लेकिन कुल मिला जुलाकर देखें तो बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड जो है आपको 1000 रुपये के नीचे मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। आप चाहें तो इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो नेट प्रॉफिट है यानी कि जो टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट होता है ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करें तो पाएंगे कि लगातार जो है इसका प्रॉफिट जो है रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि इस साल जो है अधिक प्रॉफिट हुआ, अगले साल डाउन, फिर अगले साल प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड जो है अपना प्रॉफिट जो है रेवेन्यू के साथ साथ डबल करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो ग्राफ है आप इस ग्राफ को जो है टिकर टेप पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। 2018 से लेकर 2021 तक के आप ग्राफ को देखें तो जो नीचे जो नीली बार बनी हुई है जैसे कि 46.46 करोड़ में है, तो आप पाएंगे कि रेवेन्यू के साथ साथ जो है इसका प्रॉफिट भी है जो है लगातार एक कंसिस्टेंटली जो है ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरीके से भागता हुआ नज़र आ रहा है। और जब किसी स्टॉक्स में रेवेन्यू के साथ साथ उस स्टॉक का प्राइस जो है एक समान भागता है तो उम्मीद यही की जाती है कि आने वाले टाइम में फर्दर दिनों में जो है इसी स्टॉक्स में एक बड़ी मूवमेंट को आप कैच कर सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है लेकिन ये धीरे 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 बढ़ता है, ये स्टॉक जो है धीरे धीरे बढ़ता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1000 रुपये के लेवल क्रब क्रॉस हुआ। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें तो आप पाएंगे कि लगातार तकरीबन 75% के करीब में जो इसका शेयर्स है प्रमोटर्स के पास है,
यानी बर्गर पेंट इंडिया लिमिटेड के आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा 75% की शेयर होल्डिंग है। पिछले साल मार्च में 0.82% की शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड की थी, लेकिन इस जून क्वार्टर के बाद उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा दिया है और इस समय म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग जो है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड में 0.87% की है। यानी कि शानदार यहाँ पर जो है पोजीशन बना हुआ है म्यूचुअल फंड्स का। वहीं आप FII की बात करें यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी तकरीबन 11.25 यानी 11.25% का शेयर होल्डिंग जो है उनके पास भी है। तो देखिए पेंट इंडस्ट्रीज की डिमांड हमेशा बनी रहेगी क्योंकि ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है और जब कोई कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट को आप चूज करते हैं तो उसकी डिमांड जो है हमेशा बनी रहेगी। और इंडिया तो दिवाली का सेशन आने वाला है और दिवाली जो है आज से 3 महीने बाद है, नवंबर के करीब में दिवाली पड़ती है, तो जब दिवाली आएगी तो लोग अपना घर जो है पेंट कराएंगे और इंडिया में जो है डेली मकान बन रहे हैं, डेली जो है नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो वहाँ पर पेंट की डिमांड जरूर होगी क्योंकि मकान बनने के बाद जो है पेंट जरूर करते हैं क्योंकि डेकोरेशन के लिए पेंट के बगैर तो घर बनेगा ही नहीं। तो पेंट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और पेंट आज भी डिमांड में है और आने वाले फ्यूचर में भी पेंट की जो है डिमांड बढ़ेगी। तो आप यदि कंज्यूमर बेस्ड कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं यानी कोई शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड जो है एक बेस्ट स्टॉक्स आपके लिए साबित हो सकता है। बात करें आज के कारोबार की तो आज बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड ने 838 रुपये से अपनी ओपनिंग दी, 846 रुपये 10 पैसे इसने डे का हाई बनाया, 817 रुपये 65 पैसे लो रहा और 827 रुपये 80 पैसे पे बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड ने अपनी क्लोजिंग दी। आज की डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 19,25,089 की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड किए गए हैं जिनमें से 3,50,697 की क्वांटिटी में शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 18.22% के करीब में यहाँ पर शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। हालांकि रिजल्ट आ जाया था लेकिन मार्केट ने जो है इसे पॉजिटिव नहीं लिया। लेकिन देखिए मार्केट में इस समय लोगों के अंदर यह है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कहीं क्रैश ना हो जाए, लेकिन यदि आप अच्छा स्टॉक पिक करेंगे, अच्छे शेयर्स में बने रहेंगे तो चाहे मार्केट की कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो आपको डर नहीं रहेगा। तो अच्छा स्टॉक पिक करने का यही एक तरीका होता है कि आप किसी अच्छे कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको होल्डिंग पावर भी बनानी पड़ेगी क्योंकि जब तक आप इंतज़ार करने की क्षमता डेवलप नहीं करेंगे तब तक मार्केट से उतना पैसा आप नहीं कमा पाएंगे जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जेके एडुटेक पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद।